यूरोप में तनाव एक विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि। 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप एक ज्वालामुखी की तरह था। महाद्वीप राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद और सैन्यवाद के जाल में उलझा था। हर देश अपनी मिलिट्री पावर बढ़ा रहा था। गठबंधनों की व्यवस्था ने देशों को जोड़ा था। राष्ट्रवाद एक बड़ी ताकत थी। बाल्कन को यूरोप का बारूद का ढेर कहा जाता था। ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया लड़ रहे थे। साम्राज्यवाद ने तनाव बढ़ा दिया। अफ्रीका और एशिया में संघर्ष युद्ध की वजह बनते थे। जर्मनी अपनी शक्ति दिखा रहा था। यह ब्रिटेन की नौसेना को चुनौती दे रहा था। फ्रांस बदला लेना चाहता था। इन तनावों ने यूरोप को युद्ध के कगार पर ला दिया। बस एक चिंगारी की जरूरत थी। चिंगारी, आर्चड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। 28 जून 1914 को आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी की साराजेवो में हत्या कर दी गई। हत्यारा गैवरिलो प्रिंसिप ब्लैक हैंड नाम के सर्बियाई राष्ट्रवादी ग्रुप का मेंबर था। इस हत्या ने यूरोपीय शक्ति संतुलन को हिला दिया और एक महीने में युद्ध छिड़ गया। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी को समर्थन दिया, जिससे युद्ध की आग भड़क उठी। युद्ध की घोषणाएं और गठबंधन प्रणाली। आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या के बाद की अफरा तफरी में गठबंधन प्रणाली, जिसे शांति बनाए रखने के लिए बनाया गया था, उसने युद्ध को और तेज कर दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी, जिससे ऐसी घटनाएं शुरू हुई जिनकी वजह से जल्द ही पूरे यूरोप में युद्ध की घोषणाएं होने लगी। रूस, जो सर्बिया का एक शक्तिशाली साथी था, ने 29 जुलाई को मोबिलाइजेशन की घोषणा कर दी, जिसकी वजह से जर्मनी को 1 अगस्त को रूस पर युद्ध की घोषणा करनी पड़ी। फ्रांस, जो रूस के साथ अपने गठबंधन के लिए वचनबद्ध था, ने 3 अगस्त को जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी ने पहले हमला किया और फ्रांस पर हमला करने की अपनी योजना के तहत 4 अगस्त को तटस्थ देश बेल्जियम पर हमला कर दिया। बेल्जियम की तटस्थता का उल्लंघन करने पर ग्रेट ब्रिटेन को भी युद्ध में शामिल होना पड़ा, जिसने उसी दिन जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी। यूरोपीय ताकतों को 2 गुटों में बांट दिया गया। केंद्रीय शक्तियां, जिनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्क साम्राज्य शामिल थे, और मित्र राष्ट्र, जिनका नेतृत्व फ्रांस, रूस और ग्रेट ब्रिटेन कर रहे थे। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा, दूसरे देशों ने भी अपने हितों और उद्देश्यों के आधार पर पक्ष लिया, जिससे यह वास्तव में एक विश्व युद्ध बन गया। पश्चिमी मोर्चा, खाई की लड़ाई और गतिरोध। पश्चिमी मोर्चा, जो उत्तरी सागर से स्विट्जरलैंड तक फैला हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भयानक लड़ाई का मैदान बन गया। जर्मनी की श्लीफेन योजना, जिसका मकसद फ्रांस पर एक तेज और निर्णायक जीत हासिल करना था, जल्द ही धराशायी हो गई। सितंबर 1914 में मारने की लड़ाई में फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेनाओं ने जर्मन सेना को रोक दिया, जिससे पश्चिमी मोर्चे पर एक गतिरोध पैदा हो गया, जो 4 साल तक चला। दोनों पक्षों ने खाइयों का एक बड़ा नेटवर्क बना लिया, जो कंक्रीट के बंकरों, मशीन गन चौकियों और कांटेदार तारों से लैस थे। खाइयों के बीच का खाली इलाका, जिसे नो मैंस लैंड कहा जाता था, स्नाइपर्स, मशीन गन और तोपखाने की आग की चपेट में था। सैनिकों ने बहुत खराब हालातों में जिंदगी बिताई, जहां उन्हें बीमारी, बोरियत और मौत का डर हर वक्त सताता था। पश्चिमी मोर्चे पर गतिरोध को तोड़ने के लिए दोनों पक्षों ने बड़े पैमाने पर पैदल सेना के हमले किए, जिनमें अक्सर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। सोम्मे की लड़ाई, जो जुलाई से नवंबर 1916 तक चली, इस युद्ध की क्रूरता की एक मिसाल थी। पहले ही दिन ब्रिटिश सेना के लगभग 60,000 सैनिक मारे गए, जो उसके इतिहास का सबसे बुरा दिन था। इतने ज्यादा नुकसान के बावजूद पश्चिमी मोर्चा 1918 तक काफी हद तक स्थिर रहा। सेक्शन 5, पूर्वी मोर्चा, गतिशीलता और रूसी क्रांति। जहां एक तरफ पश्चिमी मोर्चा गतिरोध में फंस गया था, वहीं पूर्वी मोर्चा ज्यादा गतिशील था। बहुत ज्यादा दूरी और खाइयों के कम नेटवर्क ने पश्चिम जैसा स्थिर युद्ध नहीं होने दिया। हालांकि यहां भी लड़ाई उतनी ही क्रूर थी, जिसमें लाखों सैनिक और नागरिक मारे गए। 1917 में रूसी क्रांति ने पूर्वी मोर्चे पर युद्ध की तस्वीर बदल दी। बोल्शेविकों ने, जिन्होंने शांति, जमीन और रोटी का वादा किया था, जार के शासन को उखाड़ फेंका और एक कम्युनिस्ट सरकार बनाई। नई सरकार ने जर्मनी के साथ शांति वार्ता शुरू की, जिसके परिणाम स्वरूप मार्च 1918 में ब्रेस्ट लिटोव्स्क की संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि ने रूस को युद्ध से बाहर निकाल दिया, लेकिन उसे बहुत बड़े इलाके गंवाने पड़े।
सेक्शन 6 तकनीकी नवाचार, युद्ध का एक नया चेहरा। प्रथम विश्व युद्ध में बहुत से नए तकनीकी आविष्कार हुए जिन्होंने युद्ध करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। मशीन गन, जहरीली गैस, टैंक और हवाई जहाज ने युद्ध के मैदान में कदम रखा जिससे अभूतपूर्व स्तर पर तबाही और मौत हुई। टैंक, जिन्हें खाइयों के गतिरोध को तोड़ने के लिए बनाया गया था, ने 1916 में अपनी शुरुआत की। शुरुआत में भरोसेमंद नहीं थे, लेकिन बाद में टैंक ने युद्ध के मैदान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हवाई जहाज, जो युद्ध की शुरुआत में अपनी प्रारंभिक अवस्था में थे, का उपयोग जल्द ही टोही, बमबारी और हवाई युद्ध के लिए किया जाने लगा। रेड बैरन जैसे उड़ान के मैनफ्रेड वॉन रिचटोफेन अपने हवाई कारनामों के लिए मशहूर हो गए। सेक्शन 7, युद्ध का वैश्वीकरण, मध्य पूर्व और उससे आगे। हालांकि यूरोप में सबसे ज्यादा भयानक लड़ाई लड़ी जा रही थी, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध वास्तव में एक वैश्विक संघर्ष था। मध्य पूर्व में तुर्क साम्राज्य, जो केंद्रीय शक्तियों के साथ था, गैलीपोली अभियान में मित्र देशों की सेनाओं से भिड़ गया, जो मित्र राष्ट्रों के लिए एक महंगी हार थी। अरब विद्रोह टी.ई. लॉरेंस के समर्थन से ने तुर्क साम्राज्य को कमजोर करने और मध्य पूर्व में ब्रिटिश हितों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एशिया और अफ्रीका में युद्ध ने यूरोपीय शक्तियों और उनके उपनिवेशों के बीच संघर्ष को जन्म दिया। जर्मन उपनिवेशों पर मित्र देशों की सेनाओं ने हमला किया, जबकि जापान, जो ब्रिटेन का एक सहयोगी था, ने चीन में जर्मन हितों को हथियाने का फायदा उठाया। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो शुरुआत में इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता था, 1917 में जर्मनी के पनडुब्बी युद्ध के जवाब में मित्र राष्ट्रों के साथ शामिल हो गया। जर्मनी द्वारा अमेरिकी जहाजों पर बार बार किए गए हमलों, जिनमें लुसिटानिया भी शामिल था, ने अमेरिकी लोगों को युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया। सेक्शन 8, युद्ध का अंत, 1918 और युद्ध विराम। 1917 के अंत तक प्रथम विश्व युद्ध ने सभी देशों को बहुत ज्यादा तबाही और नुकसान पहुंचाया था। जर्मनी में आम जनता में अशांति और अर्थव्यवस्था के खराब होने से लोगों का मनोबल गिर गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से मित्र राष्ट्रों को बहुत बड़ी ताकत मिली, जिससे उन्हें नए सैनिक और संसाधन मिले। 1918 के वसंत में जर्मनी ने पश्चिमी मोर्चे पर एक आखिरी हताश हमला किया। कैसरस क्लच के रूप में जाना जाने वाला यह हमला शुरुआत में सफल रहा, लेकिन अंततः मित्र देशों की सेनाओं ने इसे पीछे धकेल दिया। अमेरिकी सेना, जिसका नेतृत्व जनरल जॉन जे पर्शिंग कर रहे थे, ने युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे मित्र राष्ट्रों की जीत में महत्वपूर्ण योगदान मिला। जैसे ही जर्मन सेना कमजोर पड़ने लगी, जर्मन आलाकमान को एहसास हुआ कि अब हार तय है। नवंबर 1918 की शुरुआत में जर्मनी में क्रांति हुई, जिसके कारण कैसर विल्हेम द्वितीय को गद्दी छोड़नी पड़ी और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। 11 नवंबर 1918 को सुबह 11 बजे कॉम्पिएग ने फ्रांस में एक रेलवे गाड़ी में जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। प्रथम विश्व युद्ध, जिसे सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध कहा जाता था, समाप्त हो गया था। सेक्शन 9, वर्साय की संधि और उसकी विरासत। जनवरी 1919 में युद्ध के बाद दुनिया के नक्शे को फिर से बनाने और स्थायी शांति स्थापित करने के उद्देश्य से पेरिस में विजयी शक्तियां इकट्ठा हुई। वर्साय की संधि, जो प्रथम विश्व युद्ध को आधिकारिक तौर पर समाप्त करने वाली कई संधियों में सबसे महत्वपूर्ण थी, पर जून 1919 में जर्मनी और मित्र राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए। इस संधि ने जर्मनी पर युद्ध के लिए बहुत कठोर शर्तें थोप दी। जर्मनी को अपने बहुत बड़े इलाके छोड़ने पड़े, जिनमें अल्सेस लोरेन, सारलैंड और राइनलैंड का एक हिस्सा शामिल थे। उसकी सेना को सीमित कर दिया गया, उसकी नौसेना को छीन लिया गया और उसे हवाई जहाज रखने से मना कर दिया गया। इसके अलावा जर्मनी को युद्ध के नुकसान के रूप में बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ी, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। वर्साय की संधि जर्मनी में बहुत अलोकप्रिय थी, जहां इसे अपमानजनक और अन्यायपूर्ण माना जाता था। संधि में युद्ध अपराध खंड शामिल था, जिसने जर्मनी और उसके सहयोगियों को युद्ध की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। इस खंड ने और संधि की कठोर शर्तों ने जर्मनी में कड़वाहट और आक्रोश की भावना पैदा करने में मदद की, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। प्रथम विश्व युद्ध इतिहास के सबसे बड़े मोड़ों में से एक था। इसने लाखों लोगों की जान ले ली और पूरे साम्राज्यों को खत्म कर दिया।
युद्ध के बाद की दुनिया राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उथल-पुथल से भरी हुई थी। राष्ट्रों के संघ का गठन किया गया, लेकिन यह असफल रहा। युद्ध का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव बहुत गहरा था। युद्ध के अनुभवों ने कला, साहित्य और संगीत को प्रभावित किया। युद्ध की विरासत आज भी दुनिया को प्रभावित कर रही है।